Deli ya, cıngıl du. Dünya be. Hami, isip ki, isip kilide. Arı diyor, hamna da fiyin ala, iski bahsi yanlara ek sadi söyledi. Muzi akili sonu imi etçeni idi burada. İski imi peyi rummi çalara. Ya, ab muzi deri sa bet selkına payda. Neyi diyor, tu ek kam kar, tu na sveti ve soca. Var me bet pa soca da o. Muzi bet pa sona se tani taklit neyi ya. Zantuk, arı girilmi, me meyi rummi bet pa nasıl kut, tuce bet pa sona dunga. हाँ जी अब मुझे सोने दे, मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। चल अभी चल इस रूम से निकल, और तेरे लिए जिमी ने एक रूम छोड़ा है ना, उस रूम में जाके रह। नहीं जो मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगा, और जैसे ही हालत में हो। क्या कहाँ जा रहा है? ज्यादा नहीं बस जिमी के पास। क्या जिमी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तुमने मुझे छोड़ा के वजह से मैं सो ही नहीं पा रहा, इसलिए मुझे यहाँ पे उठकर आना पड़ा। मुझे पता था मिस जिमिन ये आपके वजह से आप सो ही नहीं पाएंगे। लेकिन मिस्टर जंगकुक, मैं आप दोनों के वजह से सो नहीं पाया। सॉरी जिमिन, बस क्या करूँ, इसके साथ थोड़ा सा लड़ाई हो गया था मेरा, वो तो मुझे पता चल ही रहा था। लेकिन मिस्टर जंगकुक, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे जिगरी आपके साथ सोने आया था। तो मैंने तो आपके लिए एक रूम दिया था ना, उस रूम में सोने से क्या हुआ था? क्या मेरा फैन है ना, उसके साथ ही सो जाता हूँ। कोई नहीं, तुम जाओ, मैं इस मामले को समझा लेंगे। तुम्हारा फैन है ना, समझा लेंगे। क्या जो अब तो ऐसे डर क्यों रहा है मिस सीमेंट को देखकर? मेरे जो बोल रहा है खंड जंगक सिवल जंगक का कॉल आता है। क्या हो मिस्टर जंगक, एनी प्रॉब्लम? हाँ मिस सिमिन, असल में लॉ फर्म में कोई अनजान आदमी घुस गया है जिसे सिक्योरिटी गार्ड देख नहीं पाए, इसलिए मुझे कॉल करके बता रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे एक बार जाना चाहिए वहाँ पे। रुक जाइए मिस्टर जंगक, मेरा लॉ फर्म है ना, मैं जाऊँगा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। नहीं जियो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मिस जिमिन, मुझे लेकर चलिए ना, मैं आपको मेरे बाइक से ले जाऊँगा, इससे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको खुद ड्राइव करके जाना पड़ेगा ना। प्लीज चलिए। ओके, तुम इतनी बार बोल रहे हो तो फिर चलो मेरे साथ। जंगकुक, मैं तो आपके साथ आने के लिए तो मान गया, लेकिन आर यू सीरियस ना कि आप अच्छे से बाइक चला लेंगे? बैठ के देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। वहां पे नहीं मिल से मिल, यहाँ से पकड़िए, इससे मुझे चलाने में आसानी होगा। कुछ और बाकी नहीं खुमारी में तेरी। मिशेल, आपको बोलना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा ही अच्छा बाइक चलाते हैं। मैंने बोला था कि मैं आपको बहुत अच्छे से लेके आऊंगा। हाँ मुझे पता है, अब जल्दी से चलिए, देखना पड़ेगा इसकी हिम्मत ही वो भी यहाँ पे आने की। हाँ ठीक है चलिए। क्या लाइट लाइट कैसे चली गई? पर मुझे ऐसा पकड़ क्यों हुआ? क्या हुआ है, डर लग रहा है क्या? क्या डर? वो भी मुझे नहीं, डर मुझे कभी नहीं लगता। मैं तो ऐसे ही पकड़ लिया था, मुझे लगा कि आपको डर लग रहा था इस वजह से। क्या मुझे डर लगेगा वो भी इस अंधेरे से? सच में मिस्टर जंगक, आप लगता है पागल हो गया है। अब जल्दी चलिए यहाँ से, जाते हैं, देखते हैं कि कौन आया है। हाँ चलिए, मैं अभी आपके साथ ही आता हूँ। क्यों नहीं, आप एक काम कीजिए, आप दूसरी तरफ जाके देखिए ना। नहीं नहीं मिस सिमिन, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ही जाना चाहिए, आपको ऐसा अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। प्लीज हम दोनों एक साथ चलो। हाँ मुझे समझ आ गया कि क्यों बोल रहे हैं। ठीक है चलिए। सिमिन थोड़ा सा धीरे चलिए ना। क्यों अभी डर लग रहा है क्या तुम्हें? एनीवे अभी ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो उस आदमी को हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। और वो कैसा है हम लोगों को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, सो हमें थोड़ा सा चौंकना तो रहना ही पड़ेगा ना, इसलिए जल्दी से चलो। और एक बात, अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है तो एक काम करो, तुम उस साइड जाके बैठ जाओ कहीं पर, और मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे उस आदमी को तो पकड़ना ही है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे ऐसे भी चलना पड़ेगा। हाँ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। रुको अभी मैं आपको ऐसे बढ़ाऊंगा ना,
Hapbe niyetini döşengi. Yeni sözlerdeki hep iki nazarla dört bir okudu. Misal हमने को बहुत अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा जिससे मैं श्री को पता भी नहीं चला कि हम दोनों एक साथ मिले हुए ऐसे लोग कि हम दोनों भी जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ उस काम के वजह से हम दोनों एक साथ आए हैं ओके ओके इस बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है आप भी आपके काम की तरफ ध्यान रखना अभी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना उन्हें आने दीजिए उसके बाद हम दोनों बात करेंगे उनके साथ इसलिए आपने मुझे कॉल किया था ना कि आप मेरे साथ मीट करना चाहते हैं इस मिसली मैंने ही आपको कॉल किया था क्योंकि आपके जैसे खूबसूरत लड़की के साथ मीट ना करूं असली बात ना बताऊं तो कैसे मजा आएगा बोलिए फोन पर तो सब कुछ बातें हो नहीं सकता एंड मी टू मिस्टर सुगा हमारे साथ ही काम करते हैं हेलो मिस्टर सुगा मिसली हम लोग हमारे काम की बातें कर ले हाँ क्यों नहीं आप मुझे एक फैशन शो के बारे में बोल रहे थे ना हाँ मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा फैशनेबल चुप थे इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार बोल के देखे जाए ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ बस मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए डोंट वरी पैसे का कोई सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते बस आपको एक काम करना पड़ेगा जो काम मैं बोलूंगा एकदम फाइन मैं तैयार हूँ बस एक काम आपको कोरिया में जाने के बाद करना पड़ेगा क्या कोरिया हाँ मैंने सुना कि आपका घर भी वहाँ पर है हाँ ओके कल फिर चले आना मेरे घर में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर को लेकर डोंट वरी मैं आपके घर में टाइम पर चला जाऊंगा कितने टाइम पर जाना पड़ेगा ये सब आप मुझे फोन पर बता देना फाइनली मिस्टर सुधा हम लोगों ने कर दिया हाँ कि सच में हम लोगों ने कर दिया क्या हुआ मिस्टर जगबुक अभी क्या आपको डर लग रहा है इसलिए मेरा हाथ पकड़ के रखा है क्या डर वो भी मुझे नहीं नहीं डर मुझे क्या लगेगा डर मैं मुझे कुछ भी नहीं लग रहा फिर जल्दी से चलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा उस तरफ जाकर देखता हूँ कि मेरे फाइल्स वगैरह ठीक है क्या हाँ हाँ चलिए ठीक है आप मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हैं नहीं अंदर में मुझे ना कुछ दिख भी नहीं दे रहा इस वजह से मैंने सोचा कि आपकी घाटी में पकड़ लो चलिए मैं ऐसे ही जीवन सब कुछ ठीक है ना हाँ सब कुछ ठीक है नहीं जीवन बड़े से सुनिए हम लोग यहाँ से जाते हैं नहीं हम लोग नहीं जा सकते लेकिन क्यों आपको क्या यहाँ पे रहने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कल भी नहीं मिस्टर जंकुक आप सब भूल गए कि यहाँ पे लाइट ऑफ हो गया है फिर हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे और यहाँ के सारे डोर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो मतलब हमें हाँ आपने सही सोचा है कि हमें यहाँ पे एक साथ सारी रात रहना पड़ेगा जब तक ना सुबह हो जाए फिर ठीक है चलिए जल्दी से हम लोग एक अच्छे से बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं हाँ चलिए आपने सुना नीलम क्या कर रहा है हाँ मैंने सुना उसने मुझे भी कॉल किया था सर आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं आंसर में क्या बोलूं तुम जानते हो ना तुम्हारी बहन को कितना ज्यादा पागल है पर जो बोल देती है तो सिर्फ वही करती है फिर मैं उसे क्या बोलूं बोलने के बाद भी क्या मेरी बात सुनता है एक तरफ हम लोग किस मिस पार्क जिमिन को नहीं संभाल पा रहे उसके तरफ अगर लीन चली गई तो क्या होगा आप समझ सकते हैं ना हाँ कल मुझे बहुत अच्छे से बताए लेकिन ये बात पहले सोचो कि अगर जंग पर तब हम लोग कैसे राजी कर पाए कि उम्मीद जी हम लोग मिलने के लिए तैयार हो जाए यंग जंग को बढ़कर हमारे पास एक ही हथियार है मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि हम लोगों को जीन को काम पर लगाना पड़ेगा वो तो मुझे ही पता है कहीं लेकिन वो है कहाँ पर मुझे क्या पता होगा आप तो जानते हैं ना वो दोनों भाई बहन एक टाइप के हैं वो दोनों ही इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते जिसके साथ उसके भाई के पैसे चला गया है रहने के लिए पर काम कर हम लोग अब जिम को काम पर लगाएंगे देखो जिन तुमने जैसा बोला था मैंने भी वैसा किया आज तुम्हें भी पता है अगर तुम्हारे भाई को पता चले कि मैं तुम्हें यहाँ पे लाके ड्रिंक करवा रहा हूँ तो मेरी हालत क्या होगा
छोटा समय कहीं पर भी नहीं जाना था इस घर के अलावा। कुछ देर बाद से तुम्हारे तो भाई भी आने वाला होगा। डोंट वरी, वो आने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उसे कुछ बोल दूँ तो उसके बाद वो तुम्हें कुछ बोल ही नहीं सकता। जिन, तुम जानते हो तुम ना बहुत ज्यादा क्यूट हो एंड तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। क्या तुम मुझे सच में खूबसूरत मिल रहे हो? इसका मतलब तुम्हें मैं सच में पसंद आने लग गई? हाँ जिन, सच बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे टाइम स्पेंड किसी के साथ नहीं किया। तुम्हारे जैसे लड़की भी मैंने इससे पहले नहीं देखा और कभी देखोगे ही नहीं, क्योंकि मैं इस दुनिया में नंबर 35 हूँ और एक खूबसूरत लड़की। क्या ऐसी बात है? तुम लगता है कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ क्यों, तुम्हें क्या अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा? नहीं, मुझे भी अब लगता है कि तुम ना सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, मेरे देखी हुई सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। आखिरकार तुमने मेरा पैरेंट्स कर दिया, इसलिए मैंने भी ना तुम्हें माफ कर दिया। जी, मैं ना तुम्हारे साथ एक्सपेक्टिव होते जा रहा हूँ। क्या ये सब तुम क्या बोल रहे हो? देखो ये जगह ठीक है, चलो हम लोग यहीं पर बैठते हैं। जैसे भी करके हो, ये रात तो हम दोनों को गुजारना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ मिसिन, मुझे अभी लग रहा है कि मुझे ऐसे आना ही नहीं चाहिए था। उसकी बात सुनकर ना आपको बोलना चाहिए था। आपको बोलने के वजह से तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। फिर तुम्हें किसने बोला था यहाँ पे आने के लिए? मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं बोला था कि तुम्हें यहाँ पे आने के लिए। मैं अकेला ही चला आ सकता था। हाँ मुझे पता है कि आप अकेले ही सब कुछ काम कर सकते हैं, पर मैं क्या करूँ बोलिए, मुझे ना आपको अकेले छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया, आपके साथ चला आया। आ गए हो तो अब क्या कर सकते हैं? चलो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे तो ऐसी बातें कर लेते हैं। एक काम करो, सो जाओ। सो जाने से शायद तुम्हें और डर भी नहीं आने लगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा डरपोक हो। इससे अच्छा था कि मैं जीव को लाऊं, इतने ज्यादा डरता पता नहीं है। मैम डरेगा कि वो तो आपका भी फील है ना, आपके जैसा, इसलिए आप नहीं डरता। क्या करूँ बोलिए, मुझे कभी कभी डर लग जाता है थोड़ा थोड़ा। इस वजह से मैं और क्या कर सकता हूँ? फाइनली मिस्टर जगबुक, आपने मान लिया कि आपको डर लगता है भूतों से, जो चीज असल में इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, उस चीज से आपको डर लगता है। क्यों है ना? हाँ डर लगता है। सो नहीं, कुछ भी नहीं। आप एक काम कीजिए, आप ना एक खाइए, इसी से आपका थोड़ा सा डर भी कम हो जाएगा। अगर भूख लगी तो भूख भी मिट जाएगा। मिजुन, आप क्या मुझे बोल रहे? मैं तो आलू भी खा रहा हूँ। मुझे पता था कि आप भूख कर रही है, इसलिए जल्दी से खाना स्टार्ट कर दिया। हाँ खाइए। लेकिन मिजुन, आप उस तरफ क्या देख रहे थे? उस तरफ तो कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे अच्छे से पता है उस तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए सारी चीजों को एक बार देख के रख रहा हूँ। अगर कहीं से भूत आ गया था तब क्या होगा ना? प्लीज मिजुन, आप ऐसे मत बोलिए, आप ना मुझे सच में बहुत सारा डर लग रहा है। प्लीज मिस्टर जंगलोक, आप ऐसे मत डरिए। अब मुझे आपको देखकर हंसी आ रही है। अगर मैं हंसना स्टार्ट कर दूँ तो आपको फिर से डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं मिस्टर, प्लीज आप मेरे पास ही रहिए। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जंगलोक? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप क्या मुझे एक बार हग कर सकते हैं? प्लीज मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है फाइन, तुम मुझे हग कर सकते हो। मुझे बहुत सरल हो रहा था मिशन, आपको मेरे पास ऐसे ही रहना पड़ेगा। जो भी हो, कुछ देर बाद तुम्हें मैं पकड़ लूंगा। ज्यादा तक ऐसे छुप नहीं पाओगे तुम। आर्मी, आप सबको ये बात पसंद आई होगी, क्वीन ऑफ माफिया की। प्लीज पसंद आए तो लाइक कर देना एंड हो सके तो कमेंट भी कर देना।